What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 27 जनवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं, नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी में जो फॉल आया था, उसके बाद एक एंड ऑफ द वीक एक रिकवरी आते हुए हमें दिखाई दी। कल एक रात को एक न्यूज़ आया था कि ईरान ने फिर से यूएस के दूतावास पर हमला कर दिया है, तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस वीक के बाद सैटरडे 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो बजट एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। अगर ये बजट डिसअपॉइंट करता है इंडस्ट्री को, तो यहाँ से और भी एक तगड़ा फॉल निफ्टी इंडेक्स में हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि सबकी पॉजिटिव होप्स है बजट के साथ कि इस बार कुछ इंडस्ट्री के लिए, आम आदमी के लिए कुछ अच्छा होगा। तो निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है, या आज इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 24 जनवरी, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ था। फ्राइडे का हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,188 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,154। ये लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया था, ये अगर आपको देखना है तो फ्राइडे के वीडियो का लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स फ्राइडे को ओपन हुआ था, तो ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एग्जैक्ट यहाँ पर जो ब्रेकडाउन लेवल था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। कुछ देर इस लेवल के बीच में यह ट्रेड कर रहा था फर्स्ट हाफ एन आवर, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट 12,210 ये यहाँ पर अचीव किया, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 12,224 ये भी यहाँ पर अचीव किया। कुछ देर तक इसी लेवल के पास ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था ये लेवल, और उसके बाद और भी निफ्टी टूवर्ड साउथ की नॉर्थ की तरफ यहाँ से मूव हुआ। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट में देखे तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, नासडैक करीब 87 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। हालांकि यूरोपियन मार्केट सभी हरे निशान में बंद हुए थे, और आज जब एशियाई मार्केट्स ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 118 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, और जापानीज इंडेक्स भी 455 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट हालांकि बंद है, वहाँ पर चाइना का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, हॉलीडे है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 263 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े वीकनेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्री बजट का ये वीक है ट्रेडिंग का, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, एक साइडवेज पैटर्न में हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। जैसे 200 पॉइंट्स की गिरावट आई थी मंडे को, तो उसके बाद कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ सकते हैं इसके लिए ये टूल को यूज़ किया था। तो 23.6% का ये जो लेवल है 12,114, इसी के पास इसने एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया है इस लेवल ने, और लास्ट जो दो दिन बचे थे गुरुवार और फ्राइडे को, यहाँ पर एक छोटी सी रिकवरी आते हुए दिखाई दी। अभी यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, हालांकि ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक नहीं बना हुआ है, इसका हाफ पोर्शन लास्ट टू डेज में इसने फिर से एक बार कवर कर दिया है। तो अगर यहाँ से फिर से एक बार फॉल दिखाई देता है तो 12,100 एक क्रूशल सपोर्ट होगा। ये ब्रेक होता है तो नीचे 38.2% का 11,900 के पास, जहाँ पर ये 20 EMA का पिंक लाइन आ रहा है, एज़ पर वीकली चार्ट हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट होगा 11,900 के पास, जहाँ से 200 पॉइंट्स का फॉल आया था वो अभी क्रूशियल पॉइंट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ से आने वाला अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये 12,430 को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर थोड़ा सा बियर्स का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट मारा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 20 EMA को ब्रेक करने के बाद नीचे 50 EMA का सपोर्ट इसने टेस्ट किया था, और फिर से एक बार लास्ट फ्राइडे इसने ये 20 EMA के ऊपर आकर ये क्लोज हुआ है।
तो अभी फिलहाल ये जो 200 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, उसके बाद ये जो अपसाइड आया है, इसे हम रिकवरी कह सकते हैं, एक रिकवरी फेज है। अगर इसे फिर से अपसाइड अगर ट्रेंड इसे दिखाना है तो इसे फिर से हायर बॉटम्स ऐसे बनाने होंगे, तो हम इसे यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आ सकता है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो अपसाइड मूव आया, एक रिकवरी आया, एक बाउंस बैक आया है, इसे हम यहाँ से कंफर्म अपसाइड नहीं कह सकते। और ये ऊपर 200 पॉइंट्स का ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, इसे ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें कंफर्म इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी ये 20 एम ए के ऊपर क्लोज हुआ, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स इस 20 एम ए के ऊपर, तो ये बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर और बढ़ रही है ऐसा हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल नीचे सपोर्ट एज पर डेली चार्ट 50 एम ए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट कुछ दिनों पहले भी यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स आया था 50 एम ए के पास, और यहाँ से बाउंस बैक होगा। तो यहाँ से अभी क्या फिर से यहाँ से बाउंस बैक हमें दिखा सकता है, ये अगर हमें देखना है तो बजट के बाद ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ये 50 एम ए अराउंड 12,080 के पास आ रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में और भी हमें टूवर्ड साउथ की तरफ फॉल दिखाई दे सकता है। तो यह वीकली और डेली चार्ट का निफ्टी इंडेक्स का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले जो हमने एनालिसिस किया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट में आर एस आई वर्सेज प्राइज एक्शन को हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। जैसे ये 30 के लेवल के नीचे चला जाता है, यानी ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, तो यहाँ से ऊपर प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक दिखाई देता है। ये देखिए ऐसे, ये दूसरी बार 30 के नीचे गया और प्राइस में हमें ऊपर एक बाउंस बैक देखने को मिला। हालांकि ये ओवरसोल्ड जोन है, तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं ये यहाँ पर आने के बाद निफ्टी में फिर से अपसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिले। ये जस्ट इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। अगर इस लेवल के पास आने के बाद अगर ऊपर प्राइस एक्शन में बाउंस बैक आता है और हायर बॉटम्स क्रिएट होते हैं, तो ही हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि प्राइस में यहाँ से फिर से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये एक ऑब्जर्वेशन है। निफ्टी इंडेक्स अभी फिर से एक रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा है, तो अगर आज के लिए निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है, जैसे ग्लोबल मार्केट्स हम देख रहे हैं काफ़ी वीक है, तो हो सकता है आज गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, यानी ये जो लेवल है अराउंड 20 एम ए के नीचे ऑलमोस्ट 12,200 पकड़ लेते हैं, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 12,200 के नीचे, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा आज के लिए होगा ब्रेकडाउन लेवल, इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल। ब्रेकडाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,179 180, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,160, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड मूव हमें दिखाता है, जो कि रिकवरी फेज है, ये कंटिन्यू होता है, तो अगर फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक करता है, यानी 12,271, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल आज के लिए, इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल। ब्रेकआउट लेवल, तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,297, जो कि ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, और उसके बाद सेकेंड टारगेट हमारा होगा अराउंड 12,313, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। और एक बात है, यहाँ पर अगर हम फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट लेवल निकाले 60 मिनट के चार्ट में, जो यहाँ से फॉल आया था और उसके बाद ये रिकवरी फेज देखने को मिली थी, तो इसका 50% का ये जो लेवल है, यानी 12,250, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव्ड हो गया है। तो ये हो सकता है यहाँ पर एक अभी रेजिस्टेंस, एक हर्डल फेस करे। ऊपर 61.8% का 12,292 के पास लेवल आ रहा है,
तो 50 और 61.8% ये काफ़ी क्रूशल लेवल्स होते हैं। यहाँ से हो सकता है एक ट्रेंड में रिवर्सल साइन हमें देखने को मिले, तो ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।